सरसों के अंदर आपको कौन से पुली पे चलाना है? ये तो अंदर एक चादर लगा हुआ है हवा रोकने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए। तो उस थ्रेसर, कटर थ्रेसर के अंदर ये दो नट दिखते होंगे जो ये ड्रम के और पंखे के बीच के अंदर आता है। तो इसमें पंखे की हवा का जो सेटिंग है, जो ये डी बेल्ट आता है, डी बेल्ट आता है आपको ना, जैसे ये जाली से कितने ऊपर है आपको ये देखना है। जो ये राम राम किसान भाइयों, तो आज जो फोर पॉइंट कटर थ्रेसर होती है, जो हड़म्बा थ्रेसर होती है, उसके अंदर आपको पुली सेटिंग करना बताएंगे हमें। जो सरसों के अंदर आपको कौन से पुली पे चलाना है, जो हड़म्बा थ्रेसर होता है 12-14 हेड के अंदर, उसको आप कौन सी पुली पे सेट करें, कौन सी पुली पे चलाए, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए अंत तक। वीडियो में आज आपको सरसों के अंदर चलने की पूरी सेटिंग आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबाए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, आपका मशीन अगर 48 व्हील के अंदर 50 इंची डायमीटर के अंदर अगर फोर पॉइंट कटर थ्रेसर है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जो सरसों के अंदर जो पुली रहेगा, सरसों के अंदर अगर जो पुली रहेगा, जैसे 1000 RPM का ट्रैक्टर है, तो 1000 RPM के ट्रैक्टर के अंदर नीचे छोटी पुली पे रहेगा और ऊपर बड़ी पुली पे रहेगा, नीचे छोटी पे और ऊपर बड़ी पे। जो 1000 RPM के ट्रैक्टर होता है, जैसे मैसी डी आई हो गया, 1035 हो गया, 241 हो गया, ये जो पुराने ट्रैक्टर आते थे वो 1000 RPM के अंदर आते थे। और जैसे जो नए ट्रैक्टर हैं और जो 540 RPM के ट्रैक्टर आते हैं, जैसे जॉन डीर हुआ, सोनालिका हुआ, स्वराज हुआ, तो उसमें आपको क्या करना है, जी नीचे बड़ी पुली है, नीचे बड़ी पुली पे और ऊपर छोटी पुली पे, यानी आपको कुल मिला के सीधे सीधे मैं बात बताऊँ तो आपको मिनिमम 2 इंच का गैप रखना है। नीचे वाली 2 इंच बड़ी पुली होगी और ऊपर वाली 2 इंच छोटी होगी। जैसे नीचे अगर 12 इंच का पुली है, नीचे अगर 12 इंच का पुली है, तो ऊपर 10 इंच का पुली रहेगा, जिससे आपको मशीन के RPM 12 से 15 की रेंज पर आराम से आपको 600-700 RPM आराम से मिल जाएंगे, और ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़ेगा और मशीन बिल्कुल आराम से बिल्कुल साफ अनाज निकालेगी। और फिर आपको क्या करना है, जो हवा का सेटिंग होता है, जो इसमें पंखे की हवा का जो सेटिंग है, जो ये डी बेल्ट आता है, डी बेल्ट आता है आपको क्लियरली दिखा दूँ, जो डी बेल्ट आता है, उसमें आपको क्या करना है, जो नीचे छोटी पुली है, नीचे छोटी पुली पे और ऊपर बड़ी पुली पे, यानी अगले वाले पे, सरसों के अंदर ये सेटिंग चलता है, जिससे क्या होगा कि जो पंखे का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, पंखे का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, जो दाना कम उठाएगी, उसके अंदर जो कचरा आता है, जो ढोकली आती है, उसी को केवल वो उठाएगी। इसमें आपको चुस्की भी की भी सेटिंग हो गया, हवा की भी सेटिंग हो गया और भूसे की भी सेटिंग हो गया। और अगर फिर भी आपकी जैसे अगर चुस्की अगर जैसे अनाज उठाता है, तो उसके लिए एक और सेटिंग दिया गया है, वो उस साइड में है आपको। चुस्की के अंदर ये नट आता है, ये हवा कम ज़्यादा करने का आता है, इसको खोल के आप घुमाओगे तो अंदर एक चादर लगा हुआ है हवा रोकने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपकी दिक्कत आता है तो एक और सेटिंग है, उसको आप आराम से कर लो, उसके लिए फिर आपको अनाज जो मशीन अनाज है वो उठाएगी नहीं। जो ये नट आता है, ये वाला जो नट आता है, उसको आप क्या करना है, जैसे ये जाली से कितने ऊपर है आपको ये देखना है। जो ये वाला पार्ट आता है, जो चुस्की का जो पंखा आता है, उसको जाली से कितने ऊपर है आपको मिनिमम 2 या 3 अंगुली ऊपर रखना होगा, और इसको ऊपर नीचे आपको सेट करना होगा, जिससे आपके जो कचरा है वो अनाज है जो कचरे के अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद में आपको जो पंखे की हवा है उसका सेटिंग बता देता हूँ मैं। इसमें जो पंखे की हवा का सेटिंग है, उसमें आपको हर थ्रेसर, कटर थ्रेसर के अंदर ये दो नट दिखते होंगे जो ये ड्रम के और पंखे के बीच के अंदर आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो पीछे वाला पर्दा है
वो अनाज जो चलने पे जो आगे गिरना चाहिए पीछे गिरना चाहिए उसका आता है, और ये वाला आता है ये पंखे की हवा का आता है। इसमें आपको अगर ऊपर करोगे तो हवा कम होगा, और अगर इसको आप नीचे करोगे तो हवा ज़्यादा होगी। इससे आप जैसे अगर अनाज उठाती अगर चारे में जाता है तो इसको आप कम कर लो, तो इससे क्या होगा कि पंखे की जो हवा खींचने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और वो केवल चारा ही उठाएगी, अनाज नहीं उठाएगी। तो किसान भाइयों, आपको जो इसके अंदर ड्रम का जो सेटिंग है वो आपको बता देता हूँ मैं। किसान भाई, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आपको जो गंडासों की सेटिंग है वो आपको बिल्कुल आधे सूद परे रखना है, जैसे इसके अंदर रखा हुआ है। जबाड़ी से और गंडास के बीच के अंदर जितना अपना सरसों का दाना आता है उतना गैप रखना है, जिससे क्या होगा कि अगर जैसे दाना अगर जबाड़ी के बीच के अंदर भी आ जाता है तो कटिंग नहीं होता है, जिसमें कट नहीं होता है और अनाज बिल्कुल फोड़ता नहीं है। और जो इसके अंदर जो सेटिंग रखना है वो आपको एक अंगुली रखना है जाल के और नट के, एक अंगुली इसको रखना है जिससे अनाज फोड़ेगा नहीं। आपको ये पर्दे दिखाए थे, देख लो ये पर्दे है अंदर की साइड, और इसमें हेड का जो सेटिंग करना है वो आपको हेड का सेटिंग भी बता देता हूँ मैं। सरसों के अंदर ये नट होता है, इसकी दाब बिल्कुल कम रखना है, जिससे क्या होगा कि जो रोलर के बीच के अंदर अगर जैसे अगर पुला जाता है माल जाता है तो वो अनाज दाने को फोड़ेगा नहीं। इसकी दाब बिल्कुल कम रखना है आपको, और आपको जो रोलर दिख रहा है वो रोलर को कुछ भी नहीं छेड़ना है, रोलर की सेटिंग वो की वो रखनी है। और इसमें एक लास्ट सेटिंग और है, जो अगर एलिवेटर आपका अनाज नहीं उठा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करें, अनाज अगर जैसे एक तो धीरे बगा रहा है या कैसे बगा रहा है तो उसमें भी पुली का सेटिंग होता है, तो उसके पुली का सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। एलिवेटर के अंदर पुली आपको अगर ऊपर 9 इंच का पुली लगा हुआ है तो वो गलत है, ऊपर आपको 8 इंच का पुली लगाना है और नीचे 4.5 इंच का रहता ही है, जिससे क्या होगा कि एलिवेटर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और माल जल्दी से जल्दी उठाएगा, वो माल जल्दी जल्दी उठाएगा। और इस थ्रेसर के अंदर हमने बड़े टायर दिए हैं। किसान भाइयों, थ्रेसर बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क करें, नया थ्रेसर अगर किसी के पास पुराना थ्रेसर बेचना है लेना है तो भी आप हमसे संपर्क करें। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।